Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. बिहार के मुख्यमंत्री जिनको नरेंद्र मोदी जी ने जेल में रखा, जेल का ताला तोड़कर मोदी से लड़ने के लिए मैदान में है, ऐसे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी। मंच पर आसीन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भाई हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना सोरेन जी, भाभी सुनीता केजरीवाल जी, माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी, सभी यहां पर उपस्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के, कांग्रेस पार्टी के, आम आदमी पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण, साथियों और दोस्तों, आज देश की सत्ता पर एक तानाशाह हुकूमत चल रही है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत, तानाशाही की हुकूमत, जो राज्य दर राज्य, जिसका एक ही लक्ष्य है, विपक्ष को खत्म करो, विपक्ष को खत्म करो, पकड़ पकड़ के जेल में डालो, पकड़ पकड़ के जेल में डालो। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, हम सबको जेल में डाल दोगे तब भी इस देश के लोग तुमसे लड़ने के लिए मैदान में रहेंगे, ये देश तुम्हारे आगे झुकने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, संजय रावत को जेल में डाल दिया, अनिल देशमुख को जेल में डाल दिया, ममता बनर्जी के मंत्रियों को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, पूरी जिंदगी हम लोगों को जेल में रखोगे तब भी तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं, तुमसे लड़ते रहेंगे। ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलेगा, ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और भाजपा के फरमान से नहीं चलेगा, याद रखना। इतना अहंकार आपके मन में, इतनी तानाशाही आपके मन में, कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। मैंने कहा मोदी जी, आपका यह जुमला बहुत देख चुके इस देश के लोग। मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी के बारे में, उनके अंदर कोई क्वालिटी हो ना हो, गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं, गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। गए बंगाल में, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। आए झारखंड में, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। गए दिल्ली में, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। गए हरियाणा में, कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। गए कर्नाटक में, कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट। गए महाराष्ट्र में, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। गए मिजोरम में, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार, जनता कह रही है तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। तड़ी पार करने के लिए तैयार होना आप लोग, तैयार होना, तैयार होना। इनसे अपमान का बदला चुन चुन के लेना है साथियों, चुन चुन के लेना है। आपके नेता हेमंत सोरेन को जिस तरह से इन्होंने अपमानित किया, आदिवासी समाज को जिस तरीके से अपमानित किया, याद रखना ये वही लोग हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर एक बीजेपी के नेता ने आदिवासी युवक के सिर पे पेशाब किया था। इस अपमान का बदला अपने वोट की ताकत से लेना, इनकी जमानतें जब्त कराना। कराओगे ना जमानत जब्त, और मोदी जी की किसी गारंटी के चक्कर में मत फंसना। गारंटी तो देते हैं केजरीवाल जी, यहां पे बैठे हुए हैं, जितनी गारंटी दी गारंटी से ज्यादा काम करके दिखाया। गारंटी देते हैं चंपई सुरेन जी, जेएमएम की सरकार, गारंटी मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार की गारंटी देता हूं नौजवानों, कहा महंगाई कम करेंगे गारंटी देता हूं,
कहा इस देश के अंदर 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा। बोले इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा, कितना जमा हो जाएगा, 15 पैसे भी नहीं आए, 15 पैसे भी नहीं आए। तो मैंने कहा मोदी जी आपने 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर झूठ बोला, आपने महंगाई कम करने के नाम पे झूठ बोला, आपने रुपया मजबूत करने के नाम पे झूठ बोला, आपने काला धन लाने 15 लाख देने के नाम पे झूठ बोला, आपने किसानों की MSP बढ़ाने के नाम पे झूठ बोला। मोदी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी, झूठ बोलने की गारंटी है नरेंद्र मोदी जी की। और भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दिया, सारे कीर्तिमान, पूरे देश के जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं सबको बीजेपी के साथ मिला लिया। आप केजरीवाल की ईमानदारी पे सवाल उठाते हैं, आपने हेमंत सोरेन को पकड़ के जेल में डाल दिया, आप ममता बनर्जी के लोगों को जेल में डालते हैं। अरे मोदी जी देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं, अजीत पवार मोदी के साथ, छगन भुजबल मोदी के साथ, हसन मुश्रिफ मोदी के साथ, नारायण राणे मोदी के साथ, अशोक चौहान मोदी के साथ, जनार्दन रेड्डी मोदी के साथ, नवीन जिंदल मोदी के साथ, मुकुल राय मोदी के साथ, शुभेंदु अधिकारी मोदी के साथ, हेमंत विश्व शर्मा मोदी के साथ, जितने भ्रष्टाचारी हैं पूरे देश के आज सब के सब मोदी के साथ खड़े हैं। मोदी का और बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, वो उतना बड़ा पदाधिकारी। मैं दिल्ली से आपके बीच में हाथ जोड़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आया हूं, इस बार झारखंड में बदलाव ला देना। हेमंत सोरेन जी जेल में हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले शहर शहर जा रही हैं, हाथ जोड़ के आपका समर्थन मांग रही हैं। ये समर्थन मांग रही हैं भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, समर्थन मांग रही हैं बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, समर्थन मांग रही हैं आरक्षण की व्यवस्था को बचाने के लिए, समर्थन मांग रही हैं हिंदुस्तान के चुनाव को बचाने के लिए। इस बार चुनाव में अपना वोट, वोट बचाने के लिए वोट देना, ये नारा दिल्ली में भी मशहूर है। जब केजरीवाल जी को जेल में भेजा, पूरी दिल्ली नारा लगाने लगी जेल का जवाब वोट से। झारखंड वालों पीछे तक नारा लगा दो, हेमंत सोरेन जी जेल में है, जेल का जवाब, हाथ उठा के पीछे तक, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। और अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। समीर मोहंती जी यहां से प्रत्याशी हैं, समीर जी यहां से प्रत्याशी, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैंने सुना यहां के प्रत्याशी 10 साल में जो बीजेपी से जीते हैं कहीं नजर नहीं आए, और जमशेदपुर से हमारा बहुत पुराना नाता है, केजरीवाल जी का भी बहुत पुराना नाता है, अभी वो आएंगे बताएंगे। मैं यही केवझर में पढ़ाई करता था, केवझर में मूरी एक्सप्रेस से यही जमशेदपुर स्टेशन में उतरता था, बस से केवझर जाता था चाईबासा बड़बिल होते हुए। यहाँ पे उड़ीसा के भी लोग है, हमारो उड़िया लोग को अच्छी एठी, उड़ीसा रो लोग को अच्छी की भाई ना, हाथ तो उठा तनी, समस्त को नमस्कार जोहार। और फिर से एक बार आप सबसे अपील है, विनती है, प्रार्थना है, समीर मोहंती जी को तीर कमान पर अपनी बटन दबा के भारी से भारी मतों से जिताइए और इन पार्टी चोरों को हराइए। क्योंकि मैंने सुना था सोना चोर होते हैं, कार चोर होते हैं, बाइक चोर होते हैं, नरेंद्र मोदी तो पार्टी चोर है, पार्टी चोर। उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुरा ली, शरद पवार की घड़ी चुरा ली, झारखंड में आपकी तीर कमान चुराने आए थे, आपने तीर कमान लेके भाजपाइयों को दौड़ा लिया, इस बार भी दौड़ा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।